ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस पहले आप सभी को करना क्या, पहले आप सभी को ना इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद जाना फिर आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड पहले मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद आप सभी को अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड इसको लगा देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से पहले मॉडल को अच्छे से इस तरीके से साइड में थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। एंड जो मॉडल का साइज़ है तो वो आपके पीछे जो ग्रीन ग्रीनस है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, आधा आधा उसमें आना चाहिए। एंड इसके बाद इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं एक PNG दूंगा स्माइल का, ठीक है, तो आप सभी को ये PNG लेना है। एंड इसको लेने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे लगा देना है। एंड इसके बाद जाना आप सभी को शेडो वाले ऑप्शन में। एंड बीच वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को इन दोनों को कुछ इस टाइप से बराबर कर देना है, मतलब 100-100 तक पहुँचा देना है कुछ। एंड इसके बाद जाना आप सभी को कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप चाहो तो उसमें रेड कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये, बट आप सभी को यहाँ पर ऑरेंज कलर को ऐड करना है, ठीक है, तो आप सभी थोड़ा स्क्रॉल करना है। एंड आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, क्योंकि यार मैं आप सभी को PNG तो दूंगा, आप उसमें ह्यूज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। एंड फिर एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इसको फुल कर देना है दोनों को। एंड उसके बाद जो है ये बीच वाला ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रह गया है तो इसको मैं यहाँ पर बराबर कर लेता हूँ 100 तक। एंड यहाँ कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर भी डन नहीं करना, आप सभी को जाना फिर ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं एक PNG दूंगा, एक ग्रीन कलर का लाइट PNG, तो आप सभी को पहले तो इसका ह्यू चेंज करना है, ठीक है, तो आप सभी को एडजस्ट में जाएंगे, ह्यू में जाएंगे। ह्यू में जाने के बाद हम इसको डाउन कर देंगे। एंड डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा, सिंपली आप सभी को इसको यहाँ पे ले लेना है। एंड यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ब्लेंडिंग मोड में, ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आप सभी को कर देना स्क्रीन, एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बस ये ग्लोइंग इफेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे तो पहले कर देना डन, ठीक है। इसको डन कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना है एक बारी ऐड फोटो में दोबारा से। एंड एक ये वाला PNG है, तो ये वाला PNG आप सभी को ऐड कर लेना है एक बारी। आप इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में फिट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। एंड इसका मैं साइज़ थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। एंड यहाँ इतना कर देने के बाद आप सभी को अब कर देना फोटो को डन। एंड उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करनी, तो जाएंगे हम टूल्स में जाने के बाद जाएंगे एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। फेस पर हमें थोड़ा ग्लोइंग चाहिए, ठीक है, ब्राइटनेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे। एंड हम फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से ओनली फेस पे पेंट करेंगे, तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा है ऐसे आप सभी को पेंट कर लेना है, ठीक है। तो आप चाहो तो मतलब पूरे फेस पे भी कर सकते हो, एंड आप चाहो तो ऐसे डोजन बन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बट मेरे को डोजन बन करनी जो लगती नहीं है, बस मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपका फेस मतलब अपने किस हिसाब से क्लिक किया है फोटो, एंड जो आपके फेस में ब्राइटनेस कितनी है वो आपके हिसाब से, ठीक है, तो आप अपने आप एडजस्ट कर लेना। बाकी आप सभी को मैं लाइट रूम में तो बता ही दूंगा बाकी सब कुछ। तो यहाँ पर भी हम डन करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया तो पहले मैं इसको यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर डन वाले ऑप्शन में डन करके क्लिक करके एंड यहाँ पर डन कर देते हैं। एंड इसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, टूल्स में जाना दोबारा से, एंड एडजस्ट में जाना है। फिर इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है जो, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है। एंड इसका सेचुरेशन जो है इसको आपको थोड़ा इसको भी ऊपर की तरफ ले जाना है। एंड यहाँ पे कर देना अभी डन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो हमारी इतनी फोटो हो चुकी है, अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं हम, वो करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो पहले यहाँ पे हम फोटो को सेव कर लेते हैं एंड असल बैक। तो जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, यार अगर भी अभी तक उसने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए रोजाना से 2 से 3 वीडियो डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब उसके लिए क्या करना, आप सभी को पहले हम अपनी फोटो ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आप सभी को साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट आप सभी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट है जो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और थोड़ी कम कर देना। एंड उसके बाद जो शेडो है इसको बढ़ा देना है, एंड वाइट जो है इसको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। तो इसको इसके बाद जाना लाइट कलर्स वाले ऑप्शन में, इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड जाना आप सभी को मिक्स में, ठीक है, मिक्स में जाने के बाद आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे आप अपने फेस को जो है मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ल्यूमिनस बढ़ा सकते हो। बाकी आप सभी को जाना येलो कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। फिर जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को चेंज करते हो, जो वॉल है हमारी ब्लू कलर की, तो इसके ह्यू को आप भी चेंज कर सकते हो। बाकी इसके बाद चलते हैं नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसका इंक्रीज़ कर देनी है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डालना है थोड़ा सा, ठीक है,
फोटो में विगनेट डाल देना है एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ग्रेन अमाउंट दिखेगा तो आपको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड जाना नीचे लटर में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन है जो उसको भी बढ़ा देना है, जो कलर नोट रिडक्शन है आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना एंड यार वीडियो सच में पसंद आई तो यार प्लीज़ यार शेयर करना, बिल्कुल घबराइएगा मत, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड यार आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड जो गाइज मैंने आप सभी को एंड स्क्रीन में दो वीडियो दे रखी है, इन दोनों में दोनों वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए मेरे, काफ़ी लोग आपके मतलब मेरे व्यूवर्स को काफ़ी अच्छी पसंद आई है। अगर आप इन दो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो को क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। बाकी आप सभी को अगर और वीडियोज़ देखनी हो तो आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।